अरे इसे यहाँ क्यों रख रहे हो? आप ही ने तो कहा था ऐसे नहीं कायदे से रखो, जैसे असली शादी में रखा जाता है, एक तरफ दूल्हा दुल्हन और दूसरी तरफ पंडित जी। लेकिन मोती भाई साहिबा, ये तो नाटक है। तुमसे जितना कहा जाए उतना करो, इधर रखो। एक चौकी पर दुल्हन बैठेगी, यानी मोती भाई, और दूसरी पर दूल्हा, यानी महाराज गंगाधर राव। और तुम सब एक बात ध्यान से सुन लो, मंडप को ऐसे सजाना जैसे असली शादी में सजाया जाता है, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, समझ गए तुम सब? जी। मोती भाई साहिबा, हम पूर्वाभ्यास के लिए तैयार हैं। शाबाश, आओ आओ, मैं आप सबको बताती हूँ कि करना क्या है। जी। हे दमयंती, आप अपने विनियोग से परिपूर्ण प्रेम पत्र राजन को भेजना चाहती है, तो ये हंस सुयोग संदेश वाहक की तरह आपकी सेवा में उपस्थित है। हे राजन, तुम्हें इस विरहन के हृदय के पीड़ा का आभास विपल में हो गया। यदि तुम हमारा ये प्रेम पत्र महाराज तक पहुंचा दो तो उन्हें भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि दर्दे फुरकत इलाज वक्त वसले यार है। अब हमारे नसीब में ना रातों की नींद है ना दिन का चैन, हम हर लम्हा तड़प तड़प कर शबे गम से सिर्फ यही कहते हैं कि तू भी लौट के आ जा, ना तेरा कहीं ठिकाना ना हमारा कहीं ठिकाना। होती भाई। ऐसे संवाद तो नल दमयंती नाटक में नहीं, और ना ही दमयंती ने कभी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। हुजूर, मोहब्बत जबान की मोहताज नहीं होती। हम तो कब से वफा के चिराग जलाए राहे इश्क में बैठकर प्यार के नगमे गुनगुना रहे। ये आप कैसी बातें कर रही हैं मोती भाई? नहीं नहीं हुजूर, हम तो बस दमयंती के दिली जज्बातों का इजहार कर रहे थे, पर आप तो अच्छी तरह से जानते हैं, जब तक रूह की गहराई में डूबकर जुमलों की अदायगी ना की जाए तब तक किरदार के साथ इंसाफ नहीं होता। खूब, बहुत खूब, हम इन्हीं बातों से प्रभावित होते हैं मोती भाई। सचमुच नाट्य शैली में आपका प्रतिद्वंद्वी कोई नहीं हो सकता। लाइए, हम भी हमारे चरित्र के विषय में कुछ जाने। राजा नल, हम कभी आपके सानिध्य का वियोग सहन नहीं करेंगे। सदैव जीवन पर्यंत आप हमारी और हम आपके रहेंगे। नहीं मोती बाई, नहीं, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। अब तो तुमने सारी सीमाएं तोड़ दी। सर, आपसे कोई बाहर मिलने आया है। उसे कहो वेट करे। सर, ही सेइंग अगर इमीडिएटली हमसे नहीं मिले तो आपका फ्यूचर खतरे में पड़ सकता है। What? Who is that? Peter!
Who are you? Fraser. Captain Fraser. Yes. But who the hell are you? नाम है तात्या टोपे और काम अपने हिंदुस्तान के हर बच्चे के दिल में क्रांति की ज्वाला जलाना. Yes, but... परिचय अभी समाप्त नहीं हुआ है कैप्टन फ्रेजर. मैं महारानी मणिकर्णिका का गुरु हूं जो इतनी छोटी सी आयु में युद्ध कला कौशल में पारंगत है. तलवार की धनी है वो. कैप्टन फ्रेजर, बिठूर और कानपुर के कई अंग्रेज अफसरों ने उनसे लोहा लेने की कोशिश की, किंतु अफसोस, बेचारों ने उनके आगे घुटने टेक दिए. कारण महारानी मणिकर्णिका अपने जीवन के हर क्षेत्र में केवल जीतना चाहती है. जीतना. तो कैप्टन फ्रेजर, महारानी मणिकर्णिका का गुरु होने के नाते मेरा आपको परामर्श है कि आप कल्पना भी मत करना कभी उनसे टक्कर लेने की. यदि आपको उनका पूर्ण परिचय प्राप्त करना है तो आप बिठूर के कमिश्नर जेम्स मेंशन से पूछ लीजिए कि महारानी मणिकर्णिका क्या है. उन्हें सत्य और न्याय पर भरोसा है. और हां, आपकी छोटी से छोटी गतिविधियों पर भी उनकी दृष्टि है. उन्हें पता है कि आपने समर सिंह को बंदी नहीं बनाया था, उसने स्वयं समर्पण किया था. तब उनका संदेश ध्यान से सुन लीजिए. यदि आपने शीघ्र अति शीघ्र समर सिंह पर अत्याचार करने बंद नहीं किए तो बिना एक भी पल गवाए वो दासी, वही दासी कैप्टन फ्रेजर जिसे समर सिंह छुड़ा कर ले गया था, दरबार में उपस्थित हो जाएगी और साथ में आपको भी. अच्छा कैप्टन फ्रेजर, मैं चलता हूं. एक बात और सुन लीजिए कैप्टन फ्रेजर, सावधान रहिएगा, सावधान, क्योंकि इस बार आपका सामना झांसी की रानी से होने वाला है. Don't beat him. Go. Surrender, Kyukia. Manikarnika, tumhe bachana kyu chahti hai? Bolo! Tell me, you bloody... Yadi aapne shigra ti shigra Samar Singh par atyachar karne band nahi kiye, to bina ek pal bhi gawaye उसे दरबार में उपस्थित कर दिया जाएगा और साथ में आपको. हमें दिशा प्रदान कर, लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इतना गिर सकते हैं. हमने तो सदैव उन्हें क्षमा किया, परंतु अब तो वो हमारी सुहाग छीने की कुछ चेष्टा कर रहे हैं.
हमें सहन करने की शक्ति दीजिए। मोती भाई हम आ रहे हैं। क्या बात है बेटे? मनोज जी बहुत फोर्स में है और उनके हाथ में तलवार है। कितने वो? तलवार? हाँ। कहाँ गई है वो? सब हमारी बात ध्यान से सुन लो। हम इस तरफ से आएंगे और इस चौकी पर बैठेंगे और महाराज गंगाधर राव इस चौकी पर। मोती भाई साहिबा, ये नाटक तो श्राप से ग्रसित नल दमयंती के कठिन परीक्षा पर आधारित है। विवाह तो एक छोटा सा दृश्य भर है, परंतु आप केवल विवाह पर ही जोर दे रही हैं। कामयाब नाटक वही होता है जिसका हर मंत्र असलियत के करीब ही नहीं बिल्कुल असल हो। समझे तुम सब? चलो हमारे चलो।
ये कैसा दुस्साहस? कौन हो तुम? महाराज, हम मणिकर्णिका है। आपकी होने वाली पत्नी झांसी की रानी, और ये मोती बाई, जिसने आपसे विवाह करने के लिए इन फिरंगियों के साथ मिलकर हम पर प्राण घातक हमला करवाया। और हमारे मायके से आए शकुन के लड्डू में विषैला जीव इसलिए रखवाए कि आप हमसे और हमारे आजोबाज से विमुख हो जाए। और अब ये नाटक नल दमयंती के स्वयंवर के आड़ में आपके साथ विधिवत विवाह करने की योजना बनाई है। जिसमें पंडित कोई कलाकार नहीं, वास्तविक पंडित हो शास्त्र अनुसार श्लोक पढ़े जाए, रीति रिवाजों के साथ विवाह हो। और अंत में परंपरा अनुसार आपको ये विवाह स्वीकार करना ही पड़ेगा। हमें माफ कर दीजिए। महाराज, बंदी बनाओ उसे, और सूरज की पहली किरण फूटते ही इसे फांसी दी जाए।